good evening dear students welcome back in your computer class here we are going to discuss chapter 8 now just only one program is left then your syllabus of annuals will get completed so we are going to discuss today only one question that is 24th in today's video right question is using switch statement write a menu driven program for the following. Now we are having two series here. First series is to find and display the sum of the series given here. S is equal to look at the series. X ki power 1, x ki power 2, x the power 3, 4, 5, up to 20. Then the next thing is you can easily identify the pattern. The pattern says jo base hai wo fix hai. base kya hai x. इन एवरी टर्म हर एक टर्म में एक्स लिखा हुआ है बट क्या चेंज हो रहा है पावर्स वन टू 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 थ्री थ्री टू फोर फोर टू फाइव अप टू कहाँ तक जाना है ट्वेंटी तक इट मीन्स यू नीड अ लूप दैट विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर कहाँ से स्टार्ट होगा वन से एंड अप टू वेयर इट विल मूव ट्वेंटी क्लियर सेकेंड थिंग इज इट सेज वेयर इज टू एक्स की क्या वैल्यू है टू है तो जब एक्स की वैल्यू गिवन है तो देर इज नो नीड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर मतलब ऐसे लिखने की नीड नहीं है कि इन एक्स इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इन बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑलरेडी गिवन सो इफ दिस इज गिवन सो यू कैन ईजली डू दिस वन बट दिंग इज दैट हेअ माइनस प्लस साइन आर गिवेन ऑल्टरनेटिवली सो और इन दिस सीरीज यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग दैट इफ माय टर्म इज ऑड एक्स की पावर वन एक्स की पावर थ्री एक्स की पावर फाइव एंड लाइक दिस तो अगर मेरी पावर अगर मेरी पावर क्या है आपकी या टर्म कह लीजिए या पावर कह लीजिए इफ दैट इज ऑड जैसे कि वन थ्री फाइव तो साइन क्या आ रहा है इससे पहले प्लस सी एंड इफ माई पावर इज इवन लाइक एक्स की पावर टू एक्स की पावर फोर देन माई साइन इज निगेटिव मीन्स आई हैव टू चेक की जो मेरी पावर है पावर एक्चुअली जाएगी आई के अंदर आई स्टार्ट हो रहा है वन से लेकर ट्वेंटी तक तो आई हैव टू चेक वेदर दिस आई इज इवन और ऑड इफ आई इज इवन देन वी विल यूज साइन माइनस एंड इफ आई इज ऑड देन आई विल यूज द साइन प्लस क्लियर दैट एट द नेक्स्ट वन सीरीज इज दिस वन

वन वन वन नेक्स्ट जो टर्म बन रही है दैट विल बी वन 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 कैसे बनी जो पुरानी वाली टर्म है वन 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 ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो टेन की और प्लस कर दो वन को तो मिल जाएगा आपको वन 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 इन द सेम वे लास्ट टर्म ऑल्सो यू विल गेट सो कैन यू गेट द पैटर्न पैटर्न क्या बन रहा है कि जो पुरानी वाली टर्म है जो पुरानी वाली टर्म आ रही है हमारे पास उसमें हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है टेन का ऑलवेज और उसमें एड करना है वन को दिस इज दीरीज सो लुक इट है सोल्यूशन ऑफ दिस यूजिंग मेन्यू ड्रिवन है सो मेक इट हेअ इम्पोर्ट जावर डॉट यूटिल टेक द पैकेज योर सेल्फ देन टेक द क्लास नेम पब्लिक क्लास कुछ भी ले सकते हो लाइक आई कैन टेक य पब्लिक क्लास सीरीज पब्लिक क्लास नंबर वट्स एवर यू वॉन्ट ओके देन ओपनिंग ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ओपनिंग ब्रैकेट कंप्लीट द स्कैनर लाइन बाई योर सेल्फ देन बिकॉज मैन्यू ड्रिवन है तो हमें मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा क्या मैसेज एस ओ पी एल एंटर वन टू डिस्प्ले सीरीज वन एंड एंटर टू टू डिस्प्ले सीरीज टू मैसेज क्यों प्रिंट कराया क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं फर्स्ट चॉइस पे फर्स्ट सीरीज है सेकंड चॉइस पे सेकंड सीरीज है तो ओनली टू आर टेकिंग दिस इज हाउ विल गेट द यू विल गिव फ्रॉम द की बोर्ड वन और यू विल गिव टू तो अगर आपने वन दिया तो वो किसमें चला जाएगा स्विच में चला जाएगा चॉइस देन ओपनिंग ऑफ दिस स्विच ओपनिंग की देन कम ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ स्टार्ट विद द केस वन केस वन में हमें सम ऑफ द सीरीज निकालना है फ्रॉम वन टू ट्वेंटी सो टेक एट हेयर फॉर आई इज इक्वल टू वन आई इज लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी एंड आई प्लस प्लस एंड आई विल बी ऑफ विच टाइप इन टीजर टाइप एक्स की वैल्यू कितनी गिवे थी फर्स्ट सीरीज में टू और क्योंकि सम निकालना है तो समल टू जीरो अप्लाई द कंडीशन हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर इवन होगी टर्म अगर आपकी जो पावर है वो इवन होगी तो माइनस साइन आएगा तो इवन के लिए कंडीशन क्या लिखोगे इफ आई इज़ इक्वल इक्वल जीरो दैट मीन्स माई टर्म इज इवन और यू कैन से माई पावर इज इवन तो अगर इवन है तो एस इज इक्वल टू एस माइनस मैथ डॉट पावर x कॉमा आई क्योंकि हम पावर्स निकाल रहे थे x की पावर वन x की पावर टू x की पावर थ्री सो वेन पावर इज गिवन देयर सो ऑलवेज यूज वॉट मैथ डॉट पी ओडब्ल्यू सो राइट इट हेयर मैथ डॉट पी ओडब्ल्यू किसकी पावर निकालनी है बेस में बेस में क्या लिखा हुआ है x तो राइट इट हेयर x और ऊपर क्या है ये वन टू थ्री दिस इज योर i तो x कॉमा आई राइट एंड क्योंकि s हमने किस में लिया है इन इंटीजर, सो इस पावर को बिकॉज वी नो पावर गिव्स विच टाइप ऑफ वैल्यू डबल टाइप सो डबल को यू विल कन्वर्ट इन टू इंटीजियर सो टू कन्वर्ट इट इन टू इंटीजर इट, इंट इन द ब्रैकेट्स, एंड वाई वी आर राइटिंग नंबर देन माइनस साइन एंड एल्स और अगर ये क्या है ऑड है तो ऑड के लिए क्या होना चाहिए एस इज इक्वल टू एस प्लस safe difference care only with the plus sign and minus sign otherwise rest of the things are completely same then closing of for and print the sum of the series sum of the series is stored in s so print it here s then use break because after every case when your case will get over we terminate it by writing break statement then starting with the case 2 here case 2 make you 5 terms the तो जे को स्टार्ट किया है एक और वेरिएबल लिया जे जे को स्टार्ट किया वन से कितने तक चलाओगे फाइव तक बिकॉज ओनली फाइव टर्म्स वर देयर, देन जे प्लस प्लस ठीक है और वैल इनिशियली वी हैव टेकन ज़ीरो सो पहली वाली जो टर्म बनेगी देखो वो ऐसे बनेगी वैल इज इक्वल टू वैल इन टू नो वट इज़ द वैल्यू ऑफ वैल जीरो इंटू टेन प्लस वन तो जीरो इंटू टेन जीरो प्लस वन जीरो प्लस वन वन दैट मीन्स आई विल गेट द फर्स्ट टर्म एज वन तो वै वन प्रिंट हो जाएगा मेरा वन प्रिंट हो गया उसके बाद जब यह ऊपर जाएगा तो जे कितना हो जाएगा प्लस प्लस नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ जे विल बी टू ना टू इज़ लेस देन फाइव और नॉट येस तो जब टू छोटा है फाइव से तो ये वापस नीचे आएगा वैल इक्वल टू वैल इंटू टेन प्लस वन ना वट इज़ द अपडेटेड वैल्यू ऑफ वेल वन तो वन इंटू टेन प्लस वन कितना हो जाएगा इलेवन दैट मीन्स माई न्यू वैल्यू ऑफ वैल विल बी इलेवन सो अब क्या प्रिंट होगा वैल val की वैल्यू इलेवन नेक्स्ट टाइम अगेन वेन इट विल मूव बैक सो थर्ड टाइम जे विल गेट प्लस प्लस जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब थ्री थ्री इज लेस देन फाइव येस नाउ वैल इक्वल टू वैल इंटू टैन वैल की वैल्यू इलेवन इलेवन इंटू टैन प्लस वन विल बी वन 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 सो वैल विल बी ट्रिपल वन

टर्मिनेट बाई राइटिंग ब्रेक स्टेटमेंट देन एट लास्ट यू ऑलवेज मेक ए डिफॉल्ट डिफॉल्ट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर कोई भी च्वाइस मैच नहीं करती है तो वह जाएगा डिफॉल्ट में और डिफॉल्ट में प्रिंट कर देगा रॉन्ग च्वाइस देन यू आर मेन क्लोज एंड सॉरी यू आर स्विच क्लोज मेन क्लोज क्लास क्लोज राइट सो हेयर योर ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो कम्प्लीटेड दैट्स ऑल्व फॉर टू डेज वीडियो थैंक यू